मुल्क 75वीं अमृत महोत्सव तो मना रहा है, लेकिन मौजूदा हालात क्या है? क्या 75 साल में यकीनन गरीब अपने उस तमाम जरूरतों को पूरा कर सका है? लिहाजा हमारे साथ सब्जी बेचने वाले यहाँ पर मौजूद है। अतः आप यहाँ पर कई सालों से बैठती हैं, अभी 75 साल हुए हैं मुल्क में, हर तरफ हर घर तिरंगा की तहरीक भी चलाई जा रही है। इस 75 साल में गरीबों को क्या मिला? नागरिक मध्ये 75 वर्ष झाले, जे गरीब आहे ते बाजून राबून खाले, त्यांना कधी कुणाचे सहाय्य नाही आहे। आज पैसेवाले असेल त्यांच्या पैसेवाले राहिले, गरीब रस्त्यावर राबून खाणारे रस्त्यावरच राहिले। त्यांना अजूनपर्यंत कुठं कोर गरीबांना घरं देतो आणि मदत करतो म्हणून मोदी साहेब आता त्याला कमीत कमी 5 वर्ष आम्हाला एक आशा दाखवून त्या आशाची निराशा केलेले आहे। ह्याच्यावर आम्हाला इथं बसून राबून खाण्याशी सुद्धा एक मुसीबत आलेली आहे। ह्या बेळगाव नागरिकमध्ये आज या धंद्यामध्ये म्हणजे हे करोनापासून 3 वर्षाच्या आधी एक चौक भाकरी आम्हाला मिळत होती, त्याच्यानंतर आम्हाला इथं आज सकाळी कमून खायची, संध्याकाळी मुलाबाळांना करायचं खायचं घालायचं म्हणजे मुसीबत आलेले आहे। ह्याच्यावर तुम्ही कधी अजूनपर्यंत गोरगरिबांना घरं दरं देतो आज काही करतो म्हणून आम्ही एक मोदी साहेबांना जरा आशा ठेवून झालेले आहे। अजूनपर्यंत आम्हाला गरिबांना काहीही मदत नाही आहे। आज बघा तुम्ही, हे 2000 सालीमध्ये तुम्ही आम्हाला गरिबांना, आज माझी 3 मुली एक मुलगा, मी इथं 40 वर्ष झाले एक नवऱ्याच्या दारूपासून कमाई नसताना अजूनपर्यंत बसलेले आहे। या भाजीच्या धंद्यावर मी आज सकाळी नून संध्याकाळी काढून दिवस लहान मोठं केलं। आज माझी मुलं सुद्धा आम्ही सुद्धा एक रस्त्यावर बसून कमून खायची मुसीबत येऊन बसलेले आहे। आज धंदा नाही आमच्यापासून, धंद्याला मार खाल्लेले आहे। आज करतील उद्या करतील मोदी साहेब, म्हणून आम्ही आज रिक्वेस्ट करायलो मोदी साहेब, आमच्या गरिबांच्याकडे आज पैसे असेल त्यांच्याकडे डोळे उघडून जाऊ नका। गरिबांच्या आज आशीर्वाद घेतलेले तोच आशीर्वाद तुम्हाला कितीतरी मंत्री तुम्ही खुर्चीवर बसलेले आहे त्यांच्या सगळ्या गरिबांची सहाय्य तुम्हाला मिळू शकते। 75 वर्ष झाले आता भारताला स्वातंत्र्य भारतामध्ये आहे कितीतरी गरीब रस्त्यावर भीक मागणारे आहेत, कुणी परदेशी पोर आहेत, अनाथ आहेत। आज आम्ही पण एक अनाथ असल्यासारखं या बाजारमध्ये आम्ही भाजी इकून खातो। नमस्कार मोदी साहेब, एक गरीब रस्त्यावर बसून भाजी केली, इथूनच तुम्हाला मी एक विनंती करतो, या भारतामध्ये घ्याचं काय वाढत चाललेलं आहे? या बघा गोर गरीब आज सकाळी नेऊन संध्याकाळी 10 रुपये म्हणजे 5 रुपये खायचं, 5 रुपये चुलीवर पाणी वतायचं असं पोझिशन आलेलं आहे। या घ्याच्यासाठी तर तुम्ही विनंती करून या गोरगरीब बघा, पैसेवाले असेल गसदेशी नोटा काढून घेतील। आज गोरगरीब दरवाज्यात 1025 रुपये भरा म्हणून येते, त्या टायमाला आम्ही कुणाकडे मागायला 1000 रुपये द्या, त्याच्यावर काय तर घालून देतो, व्याज बट्टी घालून देतो म्हणून लोकांकडे भीक मागून आज आम्ही घ्यास घ्यावं लागलंय। आज मोदी साहेब एक विनंती आहे या गोरगरिबासाठी, या घ्यासासाठी काहीतरी विचार करून या घ्यासचा अर्धा किंमत करून या गोरगरिबांना वाटायची विनंती करायचं। आता 75 वर्ष झालं ते महागाई वाढत चालले, तरी गोरगरीब काय खायचं? तरी तुम्ही मोदी साहेब काही तरी सारा करा गोरगरिबांना, असं आशा दाखवून तुम्ही किती वर्ष झाली गोरगरीब काय करणार? तुम्ही तिथं बसून तुम्ही जे खुर्चीवर बसता इथं गोरगरीब राबून खातात, ते सगळं तुम्ही साया करावं एवढा हात जोडून आम्हाला विनंती आहे। सगळं मार्केट समाजाला चांगलं ठेवावा, तुम्ही काही मदत करावा। बघा घ्यास 1050 केलं, काय सगळं महागाई झालं की हे 75 वर्ष साजरे केले जात आहे, पूरा भारत घर घर तिरंगा लावला जातो, तर तुम्ही त्याबद्दल काय म्हणता? महागाई लई वाढली हो, कसं राबून खायचं काय समजे ना, त्याखाते मुलाला जास्त कामं नाही, नोकऱ्या नाही, शाळा भरपूर झाले, काय करायचं? अभी 50,000 का माल भाई है, 5,000 का व्यापार नहीं हो रहा है इधर, क्यों धंधा करने का? सब महंगाई पड़ रही है।
दूसरा क्या बोलने का, अभी सिलेंडर का देखा तो 1100 रुपए में और यहाँ 40 रुपए बोले गिराक भाग रहा है। 80 रुपए को देखो लाया तिरंगा, 30 का झंडा 80 रुपए को, 15 रुपए का झंडा बोलो, ऐसा हुआ तो क्यों करने का धंधा। मुल्क 75वीं सालगिरह मना रहा है और इस सालगिरह के मौके पर जो जश्न मनाने का ऐलान भी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? 75वां साल जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, हमें गौरव है इस बात पर कि हमारे भारत देश के अंदर जो है कि हम खुशी से ईद मनाएंगे, लेकिन कानून वाले जो है कि नहीं किसी गरीब को असर कुछ भी नहीं कर रहे। आज जो है कि नहीं गरीब रस्ते पर कमा कर खाने वाला जो है कि नहीं रोज शाम तक कमा रहा है और शाम को जो है कि नहीं उसके पास खर्चे के लिए पैसा भी नहीं है। और आज हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है ये 10 रुपए 15 रुपए का झंडा जो है कि नहीं 50 रुपए 100 रुपए में बेच रहे हैं, लूट माट कर रहे हैं, इसके ऊपर कानून क्यों नहीं? हर एक बात पर कानून है तो इसके ऊपर क्यों नहीं? तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भूखा सो रहा है उसको पहले देखिए आप, जो भूखा सो रहा है उसको देखिए। हम तो भारत का झंडा जो है कि ना हमारे सर आंखों पर है, हम जश्न मनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आप जो है कि नहीं गरीब लोगों की भी मदद कीजिए और जो व्यापारी रस्ते पर बैठता है उसकी भी मदद कीजिए। और पिछले मरतबा 10,000 रुपए पर लोन दे दूंगा के बोले जो मोदी सरकार ने बोली थी, अभी तक हमको 1 रुपए भी नहीं मिला, हम 3 बार फॉर्म भर चुके हैं और 15 लाख रुपए अकाउंट में भरते बोले थे, वो भी 0 के 0 ही हो गया। आप ऐसा मत करिए, आप जो है कि नहीं गरीब लोगों को वादा देते हैं तो पूरा कीजिए, ना तो वादा मत कीजिए। 25 वर्ष आते रही ना दंधे माता, 30 वर्ष आते ಇಲ್ಲಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಕೈತ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಸ್ಕೊಳಕೈತ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ಗರೀಬ್ ಮಂದಿಗೆ ಏನೂ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿರಿಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಕೂತು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಐತ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ನಮಗೆ, ಆಮಿ ರೋಡಾರ ಬಸ್ತು ಅಮಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ ದೇತ್ ನೈ ಮನಿ ನೈ ಕಾಯ್ ನೈ काय करायचं घर नाही किती वर्षांनी करताय। अभी आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, बेलगाम का ये मरकजी सब्जी मंडी है, यहाँ पर कई सारे लोगों ने अब ये पीछे देख रहे हैं कि पिछले 50 साल से तकरीबन वो यहाँ बैठती है और यहाँ वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के गुजारे के लिए यहाँ बैठकर सुबह से शाम वो घर चली जाती है। लिहाजा उनका ये कहना है कि हम सुबह से शाम तक बैठने के बावजूद भी हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। हुकूमत तो 75 साल जश्न यौम आज़ादी मना तो रही है, लेकिन गरीबों के हुकूक मिलने से आज भी वो कासिर हैं और आज भी मुंतज़िर हैं कि हुकूमत उनके लिए कुछ करे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये 75 साल की यौम आज़ादी का जश्न जो मनाया जा रहा है ये बखूबी सबके लिए बहुत खुशी का माहौल है और इसे बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी उन लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, कहीं पे भी उनका कुछ पोस्टर वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस 75 साल की यौम आज़ादी के मौके पर जो इस मुल्क के लोगों को मिलना था वो हक उनको नहीं मिल रहा है। जैसे कि 2022 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि किसी को भी बिना घर के इस मुल्क में नहीं रहना पड़ेगा, हर किसी को घर दिया जाएगा, लेकिन हमने तो अभी तक किसी को घर मिलते हुए देखा नहीं है। दिया होगा लेकिन सभी को नहीं दिया गया है, उन सभी को नज़रअंदाज करके ये झूठी बातें बताकर लोगों को गुमराह किया गया है। तो और जहां पर देखा गया है इस खुशी में तो जो तिरंगे बांटे गए हैं वो मुफ्त में बांटने चाहिए थे, लेकिन इसका भी कारोबार शुरू हो गया है जो नहीं होना था। तो इस यौम आज़ादी का जश्न ज़ोर से मनाना चाहिए और इंशाल्लाह बखूबी सब लोग मना रहे हैं, सभी के दिल में इसका जज्बा है, जुनून है। लेकिन सभी से आजीजाना गुजारिश है कि सब लोग एकता प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर इस यौम आज़ादी को मनाएं और सब आगे बढ़कर एकजुट रहकर इस देश को आगे बढ़ाएं।